हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, दो बूंद इस तेल की आपको बता दूं कि क्या कमाल करती है। अगर किसी भी इंसान के शरीर में बहुत ज्यादा वात और वायु बढ़ चुकी है, लचीलापन बिल्कुल खत्म हो चुका है, घुटनों में तेज दर्द होता है, उस इंसान से एक्सरसाइज नहीं होती, चला नहीं जाता, थकान कमजोरी बहुत ज्यादा रहती है, जोड़ों में लगातार दर्द रहता है, तो उनके लिए ये दो बूंद तेल बहुत कमाल का है। इसके अलावा अगर किसी इंसान को दिल से संबंधित कोई भी समस्या हो चुकी है, हार्ट बीट ज्यादा रहती है, तो उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। वैसे दिल की समस्या में कहा जाता है कि तेल और घी कम खाना चाहिए, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती, बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, लेकिन इस दो बूंद तेल का इतना कमाल है कि ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी बॉडी से बाहर कर देगा। हमारे शरीर की 72,000 नस नाड़ियों को ये एक्टिव कर देगा, तंदुरुस्त कर देगा। इसके अलावा अगर किसी को पैरालिसिस हो चुका है तो उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है, बहुत जलन होती है, पेट में गैस बनती है, इनडाइजेशन की समस्या है, यानी कि पेट से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं उनको ये दूर करता है। तो दोस्तों, ये क्या काम करता है, कैसे इस्तेमाल करना है? दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर, अगर नाभि के अंदर अगर ये तेल लगा लिया जाए तो ये हमारे सिर से लेकर पैर के नाखून तक की हर एक नस नाड़ी को एक्टिव कर देता है। अगर हमारे सिर से लेकर पैर तक कोई भी नस दब चुकी है, चाहे वो कमर की है, चाहे वो पीठ की है, चाहे वो टांग की है, उसे वो सही कर देता है। अगर आपके घुटनों में अकड़न रहती है, दोस्तों नाभि में तेल डालना तो दूर की बात है, आजकल लोग सिर में भी तेल नहीं लगाते, जिसके कारण शरीर में ड्राइनेस बहुत ज्यादा बन रही है, रूखापन बहुत ज्यादा हो रहा है, वात बढ़ रही है, नसें अकड़ रही है, शरीर में खुश्की बहुत ज्यादा हो चुकी है, चिकनाहट बहुत कम हो चुकी है। अगर आप चिकनाहट बढ़ाना चाहते हैं, लचीलापन नसों में पैदा करना चाहते हैं, आपको भी ये चीज मालूम होगी, अगर आपकी नसें लचीली होंगी तो कभी भी आपको नसों में अकड़न, जकड़न या दबाव की समस्या नहीं हो सकती। अगर हड्डियों में भी लचीलापन होगा तो हड्डियां भी क्रैक नहीं होंगी, टूटेंगी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, आप बहुत अच्छे से दौड़ पाएंगे, जंप कर पाएंगे। कुछ लोग होते जंप नहीं कर पाते, हड्डियां दर्द करती हैं। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है? तो दोस्तों, ये तेल है देसी घी। वैसे लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सरसों के तेल का काम है स्किन के ऊपर हमारी जितनी भी ड्राइनेस आती है उसको दूर करना, या होठ जो फटते बहुत हैं उसको दूर करना। लेकिन अगर इसकी बजाय अगर आप देसी घी का इस्तेमाल नाभि में लगाते हैं और एक बूंद नाभि के साइड में लगाकर क्लॉकवाइज आप घुमाते हैं, ऐसे मालिश करते हैं, 30 मिनट आप ऐसे ही लेटे रहिए, उसके बाद उठकर आपने गुनगुना पानी पी लेते हैं, तो दोस्तों कितनी तकलीफें दूर होती हैं आप मान नहीं सकते। आपको ऐसे लगेगा ये तेल नाभि में लगाना क्या काम करेगा, यानी देसी घी लगाने क्या काम करेगा। ये इतना कारगर है कि आपको बता दूं कि अगर आपके पास पुराना है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। इनडाइजेशन की समस्या हो, घुटनों में दर्द रहता हो, लगातार इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपको कमाल के फर्क लगेंगे। दोस्तों, नस नाड़ियों की तो जितनी भी दिक्कतें हैं, इस घी का इस्तेमाल रोजाना ऐसे ही करने से लगाकर आपने 30 मिनट लेटे रहना है, फिर आपने गुनगुना पानी पीना है। ऐसे अगर इस्तेमाल करते हैं तो नस नाड़ियां स्ट्रांग होगी, तभी नस की समस्या दूर होगी, वात के कारण जो आपकी नसें अकड़ चुकी हैं, खुश्की बढ़ चुकी है, वो समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपकी काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।